बंसल न्यूज की टीम आ पहुंची है 56 दुकान, जी हाँ, जहां पर लेंगे चुनावी जायका। लेकिन इस स्वाद को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ होंगे एक स्पेशल मेहमान। पहचान के वो नहीं है मोहताज, क्योंकि लोग उन्हें कहते हैं प्यार से रंजीत भैया इंदौरी। तो इंदौर के रंजीत भैया जो आइकॉन है इस वक्त, वो है इस बंसल न्यूज की स्क्रीन पर। और खास इस जायके की आज से शुरुआत करेंगे रंजीत भैया। सबसे पहले कुछ व्यंजन भी लेंगे, लेकिन उसके साथ में चुनावी जायका क्या कुछ देख रहे हैं। और इंदौर के लोग तो हमेशा जागरूक है, हर चीज़ में नंबर वन होते हैं, इस बार चुनाव में भी क्या नंबर वन वाला अंदाज देखने को मिलेगा इंदौरियों का। बिल्कुल भैया, सबसे पहले तो बंसल न्यूज परिवार के सभी महान साइंटिस्टों को रंजीत भैया की भैया रहा हूँ। भीड़ भाड़ बहुत है भैया इंदौर में, सब चकाचक है, सब आनंद मंगल है। और चुनाव की जो गर्मी है वो सबको गर्म आँख बना हाथ देख रहे हो कि ठंड का मौसम है। इस टाइम पे लोग साल सूटर जर्किन कंबल गोदड़ी रजाई में रहते थे, लेकिन बाहर इतनी गर्म आग वाला माहौल है भैया, तो जाने क्या होगा। मेरे को तो खुटका हो रहा है भैया, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, ये तो जनता बताएगी इंदौर की और मध्य प्रदेश की होगा क्या। अब इंदौर के लोगों का ये जायका है, हम लोग देखते हैं खान पान पर। इंदौर के जो ठिए हैं वहाँ पर अभी एक ही चर्चा चल रही चुनाव की, तो कुछ ऐसी ठियों की एक बातचीत आप भी बता दीजिए कि जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन ठियों पर बातचीत होती है, तो क्या कुछ हो रहा है चुनाव को लेकर चर्चा है इन ठियों पर? भैया देखो, जो लोग 5-5 साल से बेरोजगार बैठे रहते हैं ना, हमारे मोहल्ले के युवा नेता हूँ जिनने इंदौर मऊ पीतमपुर के अलावा भोपाल भी नहीं देखा, वो राज्य स्तरीय बात कर रहे हैं प्रदेश लेवल की। और जिनकी नाक का सेवड़ा भी साफ नहीं होता था ना भैया, वो भी है ना 250 वाला राजवाड़े से कुर्ता खरीद के बुढ़बुढ़े पे 70 रुपये का पेट्रोल डला के बुलेट भगा रहे हैं भैया। और जिनके कहने से घर में चाय भी नहीं बनती, वो लोगों से जा के प्रॉब्लम पूछे कि काका कहीं तकलीफ तो नहीं है, तुम्हारा वही खड़ा हुआ है। और जिनने अपने बाप जमाने में 1 की 4 वाली संतरे की गोली भी खरीद के नहीं खाई ना भैया, वो भी लोगों को ले जा के अंग्रेजी पिला रहे हैं। बताओ, ये माहौल है हमारी कॉलोनी का। तो हमारे इंदौर में जब चुनाव आते हैं तो एक और बात आती है युवा नेतृत्व, ये युवा नेता युवा नेतृत्व जुझारू नेता कर्मठ, तो ये भी इंदौर के जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव का रंग बदल देते हैं। अभिन्न अंग है भैया, और इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब वो भले ही एक टाइम पे ये था कि एक बंदा गया है नेता के पास में और दूसरे बंदे को उसके फ्रेंड को है ना मोबाइल लेके खड़ा कर देता है कि भैया से मैं मंच पे ना बात करूंगा और तू मेरा फोटो खींच लेना। बंदा ऊपर गया नीचे कैमरा वाले खड़ा करके और बोल रहा दादा चाय लाऊं क्या, तो बोलते अरे नहीं रे चाय नहीं चाहिए। अगले दिन फेसबुक पे फोटो डालता है कि बड़े भैया से आगामी विधानसभा की चुनाव की चर्चा करते हुए। तो ऐसे भाई उन्हें हमारे युवा नेता, लेकिन अभी चुनाव में किसी को भी नाराज नहीं किया जा रही है भैया। काकी भाभी आंटी डोकरा डोकरी बुजुर्ग वगैरह उन, मतलब हमारे यहाँ पे ना एक युवा नेता पहुँचा काकी के वहाँ, सुनीता काकी के, कि काकी और क्या कोई तकलीफ वकलीफ तो नहीं है? तो वो काकी बोलती बोले नाच के मिटे आ गया चुनाव आ गए तो। अरे नहीं नहीं काकी, मैं चुनाव के चक्कर में थोड़ी ना हूँ, क्या मैं मेरी काकी का हालचाल भी नहीं जान सकता? और क्या अपना बबलू क्या कर रहा है काकी? बोले नाच के मिटे तेरे को मेरे घर के आगे बारिश में आगे तालाब बन जाता खड्डे में, वो तेरे को दिखा नहीं? तो उसी टाइम में फ़ोन लगा था, ए भैयू अरे सुनीता काकी के घर के आगे ये पानी का तालाब बन जाता बारिश में, तेरे को बताना तो चाहिए काकी। बस गिट्टी मोरम के डंफर वाले को फ़ोन लगा दिया है, बस 10 मिनट में टरक आ रही है। तो ऐसे आलम है भैया, सबको मनाने में लगे हुए हैं, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए सिर्फ 17 तारीख तक। तो नेताओं की इस जोर आजमाइश को लेकर इंदौरी भैया क्या कुछ कहते हैं? पहलवान मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पब्लिक जागरूक हो गई भैया, जनता जाग गई है। कितने भी लाली पाक दे दो, साड़ी पहना दो, दारू पिला दो, खारमंजन खिला दो, साड़ी और क्या बोलते हैं अभी कंबल साल छोटर उड़ा दो, जनता जागरूक है। क्योंकि पहले डीजे की गाड़ी कितनी भगती थी चुनाव के टाइम पे, आज इक्का दुक्का दिख रही है। पहले दीवार की दीवार पूछ जाती थी, लाल चट हरी कच पीली पट नीली नट फलाना नेता ये वो सब हो रहे थे, आजकल कुछ भी नहीं। आजकल मामला ठंडा है, डिजिटल है, लेकिन जनता का अंदाज जनता की नियत नेता नगरी भाप गई है भैया। इस बीच में एक और चेहरा यहाँ पर नजर आ चुका, और ये 56 दुकान है, यहाँ पर बिछड़े दोस्त मिलते हैं, पुराने लोग मिलते हैं, और आज तो आपको गुरु मिल गए हैं पंकज भैया, जिन्होंने इंदौरी डिक्शनरी की भी शुरुआत की थी। और ये देखो पंकज भैया जो इंदौर का पेटेंट है कचोरी, वो खाते हुए जा रहे हैं। पंकज भैया ये क्या, इसमें कुछ विशेष है क्या, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं? पर्ची मिली ना अपने को इसकी भैया। भैया रंजीत भैया के मित्र मंडली को मैं बताना चाहूँगा, आदरणीय हमारे पंकज क्षीर सागर भैया, गुरु तुल्य बड़े भाई पंकज क्षीर सागर भैया को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। ये चुनाव चल रहा है और आप चटकारों के मजे ले रहे हैं,
लेकिन जनता भी इन दिनों जो है वो ऐसे ही मजे ले रही है नेताओं के, तो ये चुनावी चटकारे और नेताओं की जोर आजमाइश पर पंकज भैया क्या कुछ कहते हैं? ये अपन तो लेते ही नहीं ना किसी को सीरियसली, है कि नहीं? कोई भी आदमी मतलब ऐसा ही नहीं, मतलब कि सबसे सीरियस यही चीज लेने की रहती रंजीत। खाई की नहीं तूने कचोरी भी? यहाँ का कल्लार पट्टा एक नंबर खटक एकदम, ये अपना भैया ही है। तो अपने इंदौर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब चलते रहेगा। इन दिनों रोटियों पर बातचीत हो रही है, आप राजबाड़ा चले जाएं, आप छप्पन चले जाएं, सराफे चले जाएं, तो ये जो ठियो पर चर्चा होती है ये क्या कुछ जो है वो दिखाता होता है? अपन उधर बोल लेते हैं, फिर बोलते सेव परमार बुलवा लो, गाठिया बुलवा लो। आपकी भाभी है ना, लाड़ा भी निला रही हो, लाड़ी भी निला रही है ना, हमारी कॉलोनी में 10 लोग खड़े हुए, 10 ही को कवर कर लिया भरोसे में कि मेरे अंडर में 42 था। अपन तो दो ही पार्टी में और सबके साथ में, और जल उठा लेती है तो वोट तो वो तो बताएंगे नहीं किसको दे रहे हैं। 10 लोगों से 20 साड़ी मत ली उनने अभी तक। क्या कर रही हो? मैं दुकान डाल रही हूँ। बहुत सही चल रही है अभी है चुनाव इंदौर का, है ना? और वोट भी डालना रहेगा और बहुत ज़्यादा बहुत सीरियसली लग नहीं रहे हैं, आपको लग ही नहीं रहा, लेकिन भोजन भंडार बहुत सही चल रहे हैं। वो तो अपन तो अपने को मालूम पड़ा कि भाजपा वाले कांग्रेस में खा रही है, कांग्रेस वाले भाजपा में खा रही है। इंदौर के भंडारे तो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, अपने तो भोजन भंडारा गुरु लड़ रही है 2 जगह से, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा बट रही है जैसे कि प्रसाद बट रहा है। और हम दोनों के जोड़ का कोई है नहीं, है ना? और मतलब अपने इंदौर में हाथ पैर जोड़ लेते हैं भैया, हाथ पैर तोड़ते नहीं है, एक ही नहीं, तो एक नंबर का बेहतरीन शहर। तो बस शांति से चल रही है चुनाव, दो ही पार्टी अपनी झांकी ओन जमारी इधर उधर इसके रहे, रंजीत सरी की झांकी नहीं इनकी। एक चीज है कि आप दोनों बड़े पॉपुलर फेस हैं और इंदौरियत को जीते भी हैं, हमने देखा सोशल मीडिया पर, क्या आपको कोई किसी पार्टी की तरफ से ऑफर नहीं आया चुनाव लड़ने का कि भैया इस बार पंकज भैया रंजीत भैया हाथ जोड़ते हुए मैदान में नजर आ जाए और वोट मांगते हुए नजर आ जाए? नहीं, अपने को अगली चक्कर आया था, पर अपना भाई महापौर है ना इंदौर से, उसके अगेंस्ट में तो खड़े हो नहीं सकते, है ना? फिर संजू भी अपना भाई है, तो सारे भाई लोग ही इधर उधर, मेरे कहने तो दोनों तो भाई चुनाव लड़ रही है, तो हम ना भाई भाई के झगड़े में नहीं आते, दो ही का खाते हैं। आपके पास ऑफर आया कि? मेरे कहने ऑफर नहीं आया, लेकिन मेरे कहने जितने भी नेता नगरी वाले मेरे घर पे मत्था टेकने जरूर आने हैं। जा रंजीत भैया इंदौरी पर है ना, लोग बाग को लग रहे हैं कि रंजीत भैया अंडरग्राउंड कुछ उनका खर्चा पानी चल रहा है, भैया ये हरे झाड़ के नीचे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, ये गुरु के पैर पड़ रहा हूँ, तुम्हारा भाई पाक साफ है यार, रोनटाली नहीं खाएगा कभी भी। नहीं नहीं, सेटिंग नहीं की कहीं से, नहीं सेटिंग कहीं से की नहीं की, पेटी भी अपने घर पे नहीं आई, लिफाफे भी नहीं आए और साड़ी भी नहीं आई, मजाक कर दिया था, ये तो बहुत उसूल वाले हैं, अन्ना हाथ में बाकी अग्नि और जलनी है। रंजीत भैया ये तो हो गई इंदौरियों की बात है, लेकिन एक पंकज भैया एक मैसेज इंदौरियों को दे दीजिए, क्योंकि हर चीज में हम नंबर वन होते हैं, सफाई में नंबर वन, वाटर प्लस में नंबर वन, 56 दुकान का खान पान नंबर वन, सराफा का दादा पहलवानी में भी नंबर वन, झाकीबाजी में नंबर वन, तो मतदान में भी नंबर वन भैया कैसे इंदौर बन सकता है, और इसके लिए पंकज भैया क्या अपील करेंगे? देखो अपने को वोटिंग वाले दिन सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है ना, उसका एक फायदा भी है वो रंजीत भैया बताएंगे, वो बाद में बताएंगे ये। और पहले फुर्सत में पहले फर्स्ट एक काम करना है आपको, है ना, पैक होके निकलना है, खाना नहीं है, पार्टी के टेबल में मिल जाएगा दो ही, अपने हाथ पे मतलब निशान, आपके चक्कर कौन से पे मनाएंगे मालूम नहीं, वो करा लेना है। फिर उसके बाद में आपको फोटो खींच कर डाल देनी है, पर जमाने जान को टेक करते कि नहीं, अपने इंदौर में सबरे फूल पत्ती भेजते हैं सब लोग, उस दिन वो वोटिंग वाली फोटो डाल देना भैया, तो झांकी बन जाएगी। और अपना इंदौर है ना वैसे ही अपने रंजीत जैसे एक नंबर जा रही है आजकल, मतलब ऐसा जा रहा है टावर चौराहे से टावर सरी का ऊपर, है ना, कामयाबी की बड़े भाई उनकी टांग पकड़ के चंद्रयान। आप क्या मैसेज देंगे आपके अंदाज में इंदौरियों को? भैया जिस तरीके से जैसे आदरणीय हमारे गुरुदेव पंकज भैया ने बताया कि इंदौर को हर चीज में नंबर वन, और भैया ने खुल के बताया नहीं, मैंने सुना है कि अगर जो बंदा मतदान करेगा उसको पोए जलेबी फ्री मिलने वाले, कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे? 56 दुकान पे सुबह 9 बजे तक फ्री है, पक्का? बिल्कुल फ्री है, मैंने सुना था, ठिया नहीं मालूम था मेरे को, यही आना है अपने को, यही आना है। हाँ, मेरे को ले लेना घर से, वो डाल के वो बांध के ले जाने को देंगे कि नहीं? भिजवा लेंगे यार, अपनी तो सेटिंग दोनों की, घर की बात पोएम के मामले में तो अपना सारे गुना माफ है, बहुत बढ़िया। तो एंड में ही बोलना है ना भैया, क्योंकि भैया हमारा भैया हूँ रंजीत भैया को बहुत सारे आशीर्वाद के साथ, बंसल न्यूज को बहुत सारी शुभकामना के साथ, मेरे भाई पीयूष पारे जी को और सारे भाइयों को और इंदौर के सारे भाइयों को और उनकी बहनों को सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल। इंदौरियों का जज्बा है
जब बात होती है इंदौर को नंबर वन बनाने की तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं इंदौरी पूरी इसी जुनून के साथ में जुट जाते हैं। और अब है मतदान की बारी, 17 नवंबर को जब होगा मतदान तो इंदौर एक रिकॉर्ड बनाएगा, इस बात की उम्मीद भी की जा सकती है। चुनावी चटकारों के बीच में ये चर्चा का दौर आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।